क्या आप ये बात जानते हैं कि समुंदरों में जमीन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। समुंदर की दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक चीज होती है कोरल्स। कोरल लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। ये आकर्षक और बेहद संवेदनशील प्रणाली खूबसूरत वनों और शहरों का निर्माण करती है। कोरल दरअसल सैकड़ों हजारों जीवों की मिलीजुली बस्ती होती है और जिसमें सब जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये चूने के कवच से ढके होते हैं और बेहिसाब खूबसूरत आकारों और बेहद आकर्षक रंगों में मिलते हैं। इन सब कोरलों के मेल से कोरल रीफ बनते हैं। समुंदर में भी जिंदा रहने की कुंजी है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। कोरल समुंदर में मौजूद जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और बदले में उनसे पोषक तत्व पाते हैं। कोरल्स दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं। पहला है कोरल पॉलिप्स और दूसरा है जोजेंथले। पॉलिप्स एक छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहीं जोजेंथले एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। कोरल पॉलिप्स और जोजेंथले के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जियोजेंथले एक एल्गी है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है और ये एल्गी कोरल पॉलिप्स को उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करती है और इसी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके कोरल पॉलिप्स लाइमस्टोन स्केलेटन्स का निर्माण करते हैं। बदले में इस स्केलेटन से जियोजेंथले को प्रोटेक्शन मिलती है और कोरल पॉलिप्स कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं जिससे जियोजेंथले फोटोसिंथेसिस कर पाती है। कोरल पॉलिप्स जो लाइमस्टोन का स्केलेटन बनाते हैं वो सिर्फ सफेद रंग का होता है, लेकिन जियोजेंथले एल्गी की वजह से वो बेहद आकर्षक रंगों में बदल जाते हैं। कोरल पॉलिप्स जब मर जाते हैं तो उनके पीछे ये स्केलेटन रह जाता है और नए कोरल पॉलिप्स इस पर एक नई परत चढ़ाना शुरू कर देते हैं। कई सालों तक ये विकास होता रहता है और ये कोरल्स बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल जाते हैं। कोरल की ये चट्टानें इतनी विशाल हो सकती हैं कि इन्हें स्पेस से भी देखा जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और इसमें 2900 चट्टानों के साथ 940 आइलैंड भी मौजूद हैं। ये रीफ मछलियों की 1500 प्रजातियों, 411 तरह के सूखे मूंगे और 134 तरह की प्रजाति की शार्क और रेज मछलियों का घर है। दुनिया का एक तिहाई मुलायम मूंगा भी यहीं मौजूद है। ये दुनिया में समुद्री कछुओं की 7 ऐसी प्रजातियों और 30 तरह की समुद्री स्तनधारी जीवों का भी घर है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। यहाँ चिड़ियाओं की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ, हजारों किस्म के स्पंज, कीड़े और क्रस्टेशियन के साथ ही यहाँ सी बर्ड भी पाए जाते हैं। आप शायद ये बात ना जानते हो कि ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को ने 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। वहीं CNN ने इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है समुंदर की ये दुनिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते तो आप भारत में भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंडमान आइलैंड की। अंडमान आइलैंड्स में भी कोरल रीफ पाई जाती हैं। तो आप जब भी अंडमान जाएं, तो स्नॉर्कलिंग करने का मजा जरूर लें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें साइंस इंडिया।